हेलो गाइस, माय नेम सचिन कुमार एंड आई एम द टीचर फॉर बायोलॉजी फ्रॉम बीबीसी ग्रुप। गाइस, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड को, और बायोलॉजी में सेकंड यूनिट जो है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल। इसका चैप्टर का नाम है फर्स्ट का, इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा यूनिट का नाम तो है तो जेनेटिक्स, ठीक है। और इसमें जो पहला चैप्टर आता है आपका, उसे पढ़ना है आपको, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है बेटा, ये करना। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इसी चैप्टर में हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है जो आपको सभी को आती होंगी। हर किसी बच्चे को टर्म्स जो है ये क्लियर होनी चाहिए। मैं अगर किसी से पूछूं कि बेटा व्हाट इज एलील, तो उसे बताना होता है कि एलील क्या होते हैं। व्हाट इज जीन, तो उसको बताना होगा कि जीन क्या होते हैं। मैं को बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसको बताना होगा। मैं को बेटा होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, आपको बताना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल की। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट बेटा किए थे, वो किए थे बेटा गार्डन पी पर। गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। तो पाइसम सैटाइवम यानी कि गार्डन पी पर मेंडल को ने अपने एक्सपेरिमेंट सारे किए थे। इसके बाद हमने देखा कि जो गार्डन पी के जो क्या करैक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व करने के लिए बीस बनाया था, वो करैक्टर्स आपके शेप ऑफ सीड बनाया था, कलर्स बनाया था सीड का, कि रंग कैसा है, येलो है ग्रीन है। फ्लावर का कलर देखा था मेंडल ने, कि फ्लावर का कलर जो है रेड है या वाइट है। उसके बाद में उन्होंने पॉड के शेप को ऑब्जर्व किया था, कि पॉड का शेप कैसा है, पफी है या कॉन्स्ट्रक्शन है, इनकी पिचका हुआ है। और लोकेशन ऑफ फ्लावर भी उन्होंने देखा था, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट करेक्टर था एक हाइट ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स की हाइट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इन ऑब्जर्वेशन के बाद में मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, और उन कंक्लूजन को किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का जो मेंडलिज्म है, जो उन्होंने लॉस दिए थे, उनको दोबारा से रिस्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में उन्होंने कहा कि जो मेंडल ने कहा दैट वाज एग्जैक्टली राइट, क्लियर। सो आज हम बात करेंगे अब मेंडल की, कि मेंडल ने क्या बताया था। तो मेंडल ने मेजरली थ्री रूल्स बनाए थे, तीन रूल्स थे। पहला कौन सा होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। सेकंड होता है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा मेंडल का थर्ड लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेसिस ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि ये दोनों लॉ जो डिपेंड है या बेस हैं किस पर हैं, ये एक केवल एक करैक्टर के लेकर इन्होंने बनाए थे। अगर एक करैक्टर के स्टडी कर रहे हैं हम, एक करैक्टर को लेकर चलते हैं और क्रॉस कराते हैं, तो इसी ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड सेग्रीगेशन इसमें आते हैं। तो हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे कौन से लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो थर्ड लॉ जो है मेंडल का, ये होता है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस होता है। तो अब सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहने लगूं, प्लीज राइट द लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस विच आर गिवेन बाय मेंडल्स, या मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस पर जो नियम है उसको लिखो। तो आपको क्या लिखना है, आपको बेटा पहला दूसरा नियम नहीं लिखना है, यहाँ पर तीसरा लिखना है। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी, कोई आपसे सिंपल कह दे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, तो आपको यही थर्ड लॉ लिखना है। कोई आपसे कह दे कि राइट द डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, तो आपको यही थर्ड लॉ लिखना होता है। तो बेटा अब आगे चलते हैं, आपकी जो पहला लॉ है वो क्या है, यहाँ पर डालेंगे हेडिंग, पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। मैंने कहा डोमिनेंट का मीन्स क्या होता है, एक पावरफुल चीज, एक प्रभावी चीज। मैंने आपको कल की क्लास में, सॉरी परसों वाले दिन में दिखाया था कि जब दो जो अपोजिट करेक्टर्स वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो जो एफ1 जनरेशन में जो पीडीएफ जो जनरेशन आपको शो कर पाती है, जो करेक्टर अपने आपको शो करता है, वह क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा मेंडल ने, वैन टू प्लांट्स ऑफ अपोजिट करैक्टर्स, ठीक है, दो प्लांट लिए, वो भी कैसे, अपोजिट करैक्टर वाले, अपोजिट करैक्टर्स कॉमा क्रॉस्ड टूगेदर, क्रॉस माने समझते हैं क्या हो रहा है, क्रॉस्ड टूगेदर, देन इन F1 जनरेशन
which character is appears called dominant character. देखो मैंने सिंगल सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. इसमें कहने का मतलब क्या है कि व्हेन टू प्लांट्स ऑफ अपोजिट करेक्टर्स, यानी कि जब दो अपोजिट करेक्टर्स वाले दो प्लांट्स को हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपीयर होता है वह डोमिनेंट करेक्टर कहलाता है. एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंट. समझ पाए मेरी बात को? देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे आसानी से. देखो एक्चुअल में है क्या, मैंने क्या लिया, एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया. प्योर टॉल है क्योंकि ये होमोजेगस कंडीशन में है और दोनों ही एलील कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है. और मैंने क्रॉस कराया इसको किसके साथ में, प्योर ड्वार्फ के साथ में. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये क्या है प्लांट, ये है बेटा प्योर ड्वार्फ प्लांट और ये जो है ये प्योर टॉल प्लांट है. तो अपोजिट हुए नहीं हुई, अपोजिट है, ये लंबा है ये बौना है, दोनों अपोजिट करेक्टर्स हैं और दोनों दो प्लांट्स को हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन बनाओ कैसे बनेगी, वही हमारा देहाती वाला आपको याद होगा 11, 12, 21, 22. ऐसे कर सकते हैं आप. 11, 12, 21, 22 का क्या मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर, 11 का मतलब 1 by 1, तो पहले इसके पहले को इसके पहले से मिला दो. कोई दिक्कत किसी को? नहीं. अब क्या 12 का मतलब क्या, 1 by 2, तो पहले को इसके दूसरे से मिला दो. कोई दिक्कत किसी को? नहीं जी. अब सर नीचे आ जाओ, ये हो गया, नीचे आ जाओ. 21 मतलब 2 into 1, तो दूसरे को इसके पहले से मिला दो. कोई दिक्कत बेटा किसी को? नहीं सर. अब बचा 22, इसके दूसरे को इसके दूसरे से मिला दो. कोई दिक्कत? नहीं सर. तो अब क्या आया, देखो ऊपर से कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, कोई दिक्कत नहीं सर. यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, कोई दिक्कत नहीं सर. ये कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो जनरेशन हुई है आपके सामने, ये जनरेशन आई है, ये क्या है आपकी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है, ठीक है. तो ये सारे कैसी कंडीशन में, आप हेटरोजाइगस कंडीशन में, कोई भी होमोजाइगस नहीं है. तो आपको ये तो पता है बेटा कि जो कैपिटल टी है डोमिनेंट है, यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो हैं ये चारों के चारों ये कैसे हैं, टॉल है, सारे प्लांट टॉल है. तो मतलब ये टॉलनेस जो है, ये कैपिटल टी जो है, ये डोमिनेंट करेक्टर है और इसी को हमने कहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस लिखना बेटा, डोमिनेंट नहीं लिखना, डोमिनेंस, NANCE, DOMINANCE, डोमिनेंस लिखना, डोमिनेंट नहीं. तो ये डोमिनेंट करेक्टर है, वैसे इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. समझ पाए मेरी बात को? तो ये आपके यहाँ पे क्लियर कट करना होता है. तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट. अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि सर इनका फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिनोटाइप या टिपिक रेशो क्या है सर, तो इनका निकलेगा भाई कि सारे लंबे हैं. फी का मतलब, फिनो का मतलब क्या होता है, फिजिकल से संबंधित होता है, यानी कि जैसा फिजिकल अपीयरेंस हो रही है इनकी, तो सारे टॉल हैं. तो आप लिखेंगे ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक है. अब मैं लिख दूं कि भैया बताओ फिर जीनोटिपिक रेशो क्या है या जीनोटाइप क्या है इनका, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल प्लांट्स आर हेटरोजाइगस. हेटरो है कि नहीं है, कोई भी प्योर नहीं है, सारे हाइब्रिड हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन है. और आपको पता है बेटा हेटरोजाइगस को ही हम क्या कहते हैं, हम हाइब्रिड कहते हैं या संकर कहते हैं, हाइब्रिड है या हिंदी में कहते हैं संकर, ठीक है ना. तो हाइब्रिड क्या होगा, हेटरोजाइगस कंडीशन को हाइब्रिड कहा है. मैंने कहा नहीं था आपसे हाइब्रिड क्या होते हैं, जैसे कि आप इंडियंस हो और आपकी शादी में किसी अंग्रेजन से करा दूं तो वो क्या होगा, वो आपकी जो आपके बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, हेटरोजाइगस कंडीशन की हाइब्रिड पैदा होंगे, ठीक है. वो तो एक बस मोटा एक देहाती एक तरीका बता दिया मैंने समझने के लिए आपको. समझ पाए बेटा? आज जो मेन चीज है, हमने देखा क्या कि हम मेंडल्स का लॉ पढ़ने हैं और पहला जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंट, जो कि बेसिस होता है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है.
इसमें क्या होता, जब दो अपोजिट करेक्टर्स के प्लांट्स को हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपियर होता है, जो करेक्टर शो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। और इस ये जो आपका है जो लॉ है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। थैंक यू बेटा।